हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू आज के वीडियो में जानने वाले हैं कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन जो इतने सारे कंप्लेंस में बहुत अच्छा और बेनिफिट रिजल्ट्स देती है। कंप्लेंस को जानेंगे क्या लक्षण रहता है और कब कब ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवाइयाँ जो है घर में होनी चाहिए बिकॉज ये मेडिसिन जो है चाहे मेल हो या फीमेल, बच्चे हो या ओल्ड एज के पर्सन हो या मिडिल एज के पर्सन हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंस है इस मेडिसिन का। तो ये मेडिसिन का थीम जान लेते हैं। ये मेडिसिन स्पेशली जो होते हैं रेस्पिरेटरी पे और यूरिन कंप्लेंट पे बहुत अच्छे काम करती है। चाहे यंग एज के लोग हैं या फिर ओल्ड एज के लोग हैं जो यूरिन कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं, वो उनको में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ इस पर्सन का माइंड जो होता है, उनके दिमाग जो होते हैं, ये मेडिसिन का जो थीम होता है, वो सोचते हैं जो मेरे को पहले जल गया था वो बीमारी के बाद से मैं कभी ठीक नहीं हुई या हुआ जो है। जैसे कि होता है ना, कभी आप कहते होंगे कि अरे वो बीमारी के बाद से मैं कभी ठीक ही नहीं हुई, वैसा इस पर्सन में होता है, कॉस्टिकम के पर्सन में, चाहे मेल हो या फीमेल, स्पेशली फीमेल में। वो कहती है कि जब मैं जल गई थी उसके बाद से मैं कभी ठीक ही नहीं हुई, बर्न के केस में वो ऐसे वो कहती है या कहता है। और साथ साथ इसमें यह भी एक माइंड का सिम्टम है जो कि ग्रेट सिंपैथी फॉर अदर्स, दूसरे के दुख के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, सिंपैथी होता है उसके लिए। और इवन घर में भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा दुखी पहले हो चुका है, कुछ हादसा हुए हैं, तो उसके लिए उस औरत को या जो है उस पुरुष को ये दिमाग में बैठ जाता है वो दुख, और वो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है या फिर हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है और सिंपैथी रहता है। घर में कुछ हादसा भी हुए हो उसके लिए, चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या फिर उसके फैमिली मेंबर हो, किसी के साथ जो है अगर वो कोई चीज़ से सफ़र कर रही है, कोई दुख से सफ़र कर रही है, तो ये पर्सन जो होते हैं कॉस्टिकम के पर्सन, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। और इवन घर में भी कुछ हादसा हुए रहते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। तो अपने घर वालों को या फ्रेंड्स को, फैमिली को बार बार जो है उनके खबर लेते रहेंगे, सोचेंगे कि उनको कुछ हो तो नहीं गया है, बार बार उनके बारे में पता करते रहेंगे। दूसरे के सफरिंग्स को नहीं चाहते हैं कि वो सफ़र करे, सिंपैथी रहता है बहुत ज़्यादा, तो इनके माइंड का कंप्लेन रहता है। अब बात करते हैं धीरे धीरे इन सारे सिम्टम्स और इनके लक्षण का। तो जैसे कि मैं बता रही थी, स्पेशली जो है ये मेडिसिन जो है यूरिन कंप्लेन और रेस्पिरेटरी पे काम करता है। साथ ही साथ यूरिन कंप्लेन से बात करें तो मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस की बात करते हैं इस कॉस्टिकम में, स्पेशली जहाँ मसल्स वीक हो गए हैं जो है कुछ वजह से मस्कुलर वीकनेस हो गए हैं, तो उसमें अब पैरालिसिस का अटैक आ रहा है। चाहे वो पैरालिसिस आपके आँख का लिड भी हो सकता है कि बंद हो रहा है और ये उठ नहीं रहा है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गए हैं, या फिर आपको फेशियल पैरालिसिस हो गए हैं, या फिर आपके गले में सिंगल पार्ट्स जो है वोकल कॉर्ड जो होता है पैरालिसिस हो गए हैं, ज़्यादा आप वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कुछ वजह से वो मस्कुलर वीक हो गया है, अब वो पैरालिसिस के फॉर्म ले रहा है, तो बहुत अच्छे काम करती है ये मेडिसिन। बहुत ज़्यादा जो स्पीच देते हैं, लेक्चरर होते हैं, स्पीकर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो गले में जो होता है हॉर्सनेसनेस महसूस हो जाता है, गले में प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ जो है रोनेस एंड सोरनेस लगेगा, यानी कि लगेगा खिंचाव है, गले में खरोच है, उस टाइप के दर्द होंगे गले में, और पैरालिसिस के कंप्लेन हो सकते हैं, चाहे वो वोकल कॉर्ड हो या फिर आईलिड हो या फिर आपके बॉडी के राइट साइड में स्पेशली कोई भी पैरालिसिस, सिंगल पार्ट पैरालिसिस हो रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिवली अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ आपके जो रेक्टम पैरालिसिस है, जो आपके एनस पैरालिसिस हो गए हैं, उसमें भी काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करती है। यूट्राइन कंप्लेन है, उसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अब इसी पैरालिसिस पे बात करते हैं, अगर आपके ब्लडर मेल हो या पुरुष फीमेल, जब वो ओल्ड एज होते हैं तो ब्लडर थोड़ा सा वीक होने लगता है अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे जैसे मस्कुलर वीकनेस होने लगता है उस टाइम पे जो होता है, मे भी उनके यूरिन बार बार होता हो, थोड़े से भी वो खांस देते हैं या फिर हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, वजन उठाते हैं, तो उनका यूरिन निकल जाता है, या हंस देते हैं तब उनका यूरिन निकल जाता है, उस केस में इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है। मतलब कि आप चल भी रहे हैं और कुछ प्रेशर लगा तो यूरिन पास हो सकता है, हंस देते हैं, खांस देते हैं, छींक देते हैं, या फिर आपको कभी भी इनवॉलंटरी यूरिन पास हो सकता है। स्पेशली ओल्ड एज की बात करें तो यूरिन में सब मस्कुलर पैरालिसिस हो गए हैं, तो ये उसमें भी काफ़ी इफेक्टिवली और अच्छा वर्क करती है।
तो मस्कुलर वीकनेस में इसका बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। इस तरीके से अगला इसमें कंप्लेंट देखते हैं, ये वॉट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। वॉट्स जैसे कि पेडिकुलेटेड हो, लटका हुआ वॉट्स हो, चाहे आपके फेस में कहीं पे भी हो, आंखों के पास हो या फिर लिप्स के पास हो, जो पेडिकुलेटेड वॉट्स है, जैक्ड है, एक दूसरे में जकड़न जैसा जैक्ड वॉट्स होते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम करती है। आपकी पेडिकुलेटेड वॉट्स में बहुत ही इफेक्टिवली और अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ वॉट्स के कंप्लेंट जान लिए, कुछ महिलाओं के मेंसेस के बारे में जानते हैं, जो जिन महिलाओं का मेंसेस बहुत जल्दी आ जाता है और थोड़ा सा फीवर होता है, कमज़ोर होता है, साथ ही साथ मेंसेस जो होते हैं दिन में होते हैं और जैसे वो लेटती है मेंसेस उसको नहीं होते हैं, अगर इस टाइप के कंप्लेंट हैं तभी भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में बता ही रही थी जो कि समय पे चलना चाहिए, उस टाइम उनके डिले होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, लेट लर्निंग टू वॉक होता है, तो उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिवली ये अच्छा रिजल्ट देता है। अब रेस्पिरेटरी में कुछ बात कर लेते हैं, गले में इस पर्सन को जो है गले में बहुत ज़्यादा खराश होता है, सुबह को इसका कंप्लेंट बढ़ जाता है, गले में लगता है छिला हुआ है, वो खांसना भी चाहता है और कुछ बलगम भी आया तो वो निकाल नहीं पाता है, वो अंदर ही निगल जाता है और इसको ठंडे पानी पीने से आराम लगता है। ये सारे कंप्लेंट कॉस्टिकम में हैं, बहुत ही अच्छे मेडिसिन से। और ये कॉस्टिकम के जो पर्सन होते हैं, डार्क हेयर होता है, उनका जो बाल होता है डार्क रहता है और साथ ही साथ रिजिड फाइबर होते हैं, तो ये इनके कुछ लक्षण हैं। और इसमें अब बात कर लेते हैं घुटने की कंप्लेंट या रिमेटिक कंप्लेंट हैं जिनमें दर्द होते हैं। जनरली पर्सन को जो होते हैं कोल्ड डैम्प वेदर से, ठंडी वेदर से जो है जोड़ों में दर्द होते हैं, लेकिन इस पर्सन को डैम्प वेदर से आराम मिलते हैं। सो ये कॉस्टिकम इस तरीके से काम करती है। पैरालिसिस के केस हमने देख लिए, इसमें वॉट्स के कंप्लेंट को भी हमने देख लिए, बच्चों के कंप्लेंट भी देख लिए, महिलाओं के कंप्लेंट भी देख लिए, साथ ही साथ मिडिल एज के पर्सन के कंप्लेंट भी हम लोग देख लिए। और इसमें हम लोग ये भी हम लोग जाने कि गले की प्रॉब्लम क्या था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या था, ये सभी के साथ ओल्ड एज में जो ब्लडर वीक हो जाता है, जो पेशाब निकल जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, जब वो ओल्ड एज के होते हैं, एज हो जाते हैं, तो सेनाइल हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, उस केस में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कॉस्टिकम को आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। और इसमें एक मैं पहले बात बताई थी जो कि ये पर्सन बताती है ना, ये बताते हैं कि जब से वो जले हैं तब से वो ठीक ही नहीं हुआ, वो घाव ताज़ा हो जाता है जहाँ जला हुआ है, जहाँ पे सेक्रेटरी से या फिर बर्न स्कार्ड जो निशान बच गए हैं जला हुआ स्कार, उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव और अच्छा रिजल्ट्स देता है। सो इस तरीके से हम लोग इसमें पूरी जानकारी कॉस्टिकम के बारे में जान लिए और समझ गए। और साथ ही साथ इसमें कब्ज़ भी होते हैं, पर्सन को जो है फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिज़ायर होते हैं, बार बार उसको स्टूल जाने का मन करता है लेकिन डिज़ायर जो होते हैं इनएफेक्चुअल होते हैं। स्टूल पासेस बेटर वन पर्सन इज स्टैंडिंग, और इसमें एक जो बात है ना पर्सन का, जब वो खड़ा होकर ही वो स्टूल पास करता है, पर्सन जो स्टूल पास करेगा ना तो खड़ा होके ही स्टूल पास करेगा, तब उसको जो है आराम से वो स्टूल पास कर सकता है। तो ये सारी कंप्लेंट है, इसमें हम लोग समझ लिए कॉस्टिकम के बारे में, आई होप ये समझ पाए होंगे। नॉर्मली लैंग्वेज में कहे तो मस्कुलर पैरालिसिस जैसे ओल्ड एज के केस में जो है ब्लडर वीक हो गया, यूरिन बार बार निकल जाता है, या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट गले में खराश रहता है, मॉर्निंग में एग्रावेशन हो जाता है, निकालना चाहते हैं एक्सपेक्टोरेट करके लेकिन वो निकल नहीं पाता है, तो जो भी अंदर एक्सपेक्टोरेशन होते हैं वो अंदर निकल जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के जो मेंसेस कंप्लेंट में दिन में होते हैं और रात में जो जैसे वो लेटती है उसके मेंसेस कम हो जाते हैं, दिन में ही फ्लो होता है। और इसमें जो है बच्चों के लिए भी बता ही दी, इस तरीके से इसमें यूरिन कंप्लेंट, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, मस्कुलर वीकनेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, ये मेडिसिन आपको समझ में आए होंगे। सो आपको अगर लगता है ऐसा लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।